हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिजिटेक का जो कि एक लाइट वेटेड ट्राइपॉड है जो कि आप प्रोफेशनल DSLR कैमरा के दौरान यूज़ कर सकते हो, कैमरा को माउंट करने में और मोबाइल फ़ोन को माउंट करने में इस ट्राइपॉड को आप यूज़ कर सकते हो। उसके एक क्विक रिव्यू के साथ साथ फास्ट लुक काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग वीडियो भी कह सकते हो, जहाँ पर मैं रियलमी 5 के साथ अल्ट्रा वाइड वीडियो के साथ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और अनपैक कर रहा हूँ जो ट्राइपॉड हमने मंगाया है अमेजोन से। और ट्राइपॉड की पैकेजिंग देख के मैं तो चौंक गया भाई साहब, पहले जितना सोचा था उतने से बड़ा पैकेज के साथ आया है। और उसके बाद मिला है क्या, एक खाली बॉक्स जो कि मैंने लात मार के फेल दिया। उसके बाद हमें मिला है मेन पैकेजिंग, और अमेजोन की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और डिजिटिक का भी बॉक्स आपको कुछ इस तरह से मिलता है। और यहाँ पर ये आ गया कुछ, फिर से हमें पेपर मिला है, उसके साथ साथ एक बिल भी मिला है जिसे हमने यहाँ पर लात मार के बाहर फेंक दिया है और इसको भी हम फाड़ देते हैं। यानी मेरे दोस्तों, अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, मतलब जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा सबसे पहले। बाकी यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं दोस्तों हमारे नाइफ के साथ, और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं दोस्तों जो मेन ट्राइपॉड है। दोस्तों ये जो ट्राइपॉड है DSLR का जो एंट्री लेवल कैमरा का है, सकते हो जो DSLR लाइट वेट DSLR है उसके लिए बेस्ट है। ये जो ट्राइपॉड है लगभग 5000 ग्राम तक वेट ले सकती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और एक बेस्ट प्रोफेशनल ट्राइपॉड है। अगर आपका बजट है 1.5K के आसपास, 1500 रुपीज़ के अंदर बेस्ट ट्राइपॉड है, अभी का सबसे अच्छा ट्राइपॉड है दोस्तों डिजिटेक का ट्राइपॉड। कोडक से भी आपको अच्छा मिलेगा ये ट्राइपॉड, और इस ट्राइपॉड के साथ जो बैक मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल ट्राइपॉड की पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और जो बिल्ड क्वालिटी है ट्राइपॉड का वो भी काफ़ी ज़्यादा दमदार है। और इससे पहले मैंने दोस्तों कभी भी इतना बड़ा लंबा ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया है, और मेरे पास ऑलरेडी 2 ट्राइपॉड है पर वो इतना अच्छा नहीं है जो कि मोबाइल ट्राइपॉड आप कह सकते हो, पर ये वाला जो ट्राइपॉड है प्रॉपर DSLR वाला ट्राइपॉड है और काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और अगर आप DSLR भी माउंट करते हो तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ऐसे देख पर मेरा जो हाइट है लगभग 5.6 के आसपास है, उससे मेरा काफ़ी क्लोज आ जाता है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड की सबसे लंबाई के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, हाइट इसका अच्छा है। बाकी यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है पैन के लिए, और अगर आप साइड मूविंग शॉट्स को लेना चाहते हो तो आप मिल जाते हैं। अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ मेरे ट्राइपॉड से तो ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है पर्सनली ये ट्राइपॉड। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास 15K का बजट है और आप कोई भी ट्राइपॉड को लेना चाहते हो, जो कोडक का ट्राइपॉड है उससे ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी ये ट्राइपॉड ही प्रोवाइड करेगा मेरे हिसाब से तो। और इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसका जो लोग लेग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी ट्राइपॉड का लेग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, पर इस ट्राइपॉड का सच में लेग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से तैयार किया गया है। मेरे सबसे स्टील का ही होगा, प्लास्टिक तो नहीं दिख रहा है। बाकी अगर आप ट्राइपॉड यूज़ कर चुके हैं तो दोस्तों आपको मालूम चल जाएगा ये ट्राइपॉड कैसा है, पर मुझे फास्ट लुक के अंदर ओवरऑल अनबॉक्सिंग के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा दमदार लगा है। बाकी इसको मैंने हार्ड को यूज़ करना है, उसके बाद फुल एंड फाइनल रिव्यू करने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे ये ट्राइपॉड कैसा है, पर अभी फास्ट लुक के अंदर एटलीस्ट देखने में तो बहुत ज़्यादा दमदार दिख रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, और इसको मैं हार्ड कोड यूज़ करने वाला हूँ एज ए माई प्राइमरी ट्राइपॉड। और इस ट्राइपॉड का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को आप जरूर दबाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।